एक वेक्टर a इक्वल टू 1 प्लस j है, दूसरा वेक्टर ये i प्लस j है, दूसरा वेक्टर j प्लस k है। तो आप a डॉट b और a क्रॉस b बता सकते हैं, माइनस j प्लस k। मतलब बेसिकली इसमें क्या करना है आपको, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए i क्रॉस j इक्वल टू क्या होता है k, है ना, j क्रॉस k इक्वल टू i और k क्रॉस i इक्वल टू j। और अगर आप सीक्वेंस रिवर्स करेंगे तो ये माइनस लग जाएगा, है ना। आपको इस तरह से रहना है i j k, क्लॉकवाइज सीक्वेंस में हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो ये मिल जाएगा, इन दोनों का करो तो ये, इन दोनों का करो तो ये मिल जाएगा। और अगर आप सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। ये नॉलेज होनी चाहिए तो आप ये पता लगा लेंगे, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, ये पता है आपको, ओके, ठीक है। ये जो हम आई जे के पढ़ते हैं, आई जे के, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसमें हम किसी भी पॉइंट को, थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई भी पॉइंट है, इसे आप तीन लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगर ना मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लूँ, ये ओरिजिन है और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस पेन के टिप पे, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को यूनिकली डिफाइन करने के लिए आपको तीन डिस्टेंस की ज़रूरत होगी, है ना। आप कहेंगे हम एक्स डायरेक्शन में इतना चलेंगे, ठीक है, उसके बाद वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इतना, वाई डायरेक्शन में इतना, और जेड डायरेक्शन में इतना चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं टू डायमेंशनल स्पेस की बात करूँ, मान लो कि ये कोई पॉइंट है, इसको यूनिकली कैसे डिफाइन करोगे। मान लो कि ये डिस्टेंस है 1 मीटर और ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है, ठीक है ना। अब सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से 1 मीटर है, क्योंकि वाई एक्सिस से 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ना, ये पॉइंट भी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ना। इनफैक्ट ये जो लाइन है, इस लाइन के हर पॉइंट वाई एक्सिस से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है ना, तो हम यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ रहा है, दो लेंथ की हेल्प चाहिए, है ना। वाई एक्सिस से डिस्टेंस पता चल जाए, एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो वो पॉइंट पे यूनिकली आ सकते हैं ना, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, दोनों लेंथ की हेल्प से जा रहे हो ना, ठीक है। इस पॉइंट तक जाने का एक और तरीका है, मैं दो चीज़ों की हेल्प लूँगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 0.5 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा ओरिजिन से डिस्टेंस, आर इक्वल टू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देखो कार्टेशियन सिस्टम में क्या करते हैं, हम पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा एक्सिस से मेजर करते हैं। वाई एक्सिस से मेजर किया, वाई एक्सिस से मेजर करने के बाद एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, और एक्स एक्सिस से जो मेजर करके डिस्टेंस आएगा उसको वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है। इस सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया सिस्टम बता रहा हूँ तुम्हें, जिसमें हम डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करेंगे। हम कहेंगे कि ओरिजिन से डिस्टेंस जो है पॉइंट की, वो रूट अंडर 5/4 है, लेकिन तब भी हम इस पॉइंट को यूनिकली लोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इस रेडियस का एक सर्कल बनाऊँ, इस सर्कल पे सारे पॉइंट ओरिजिन से रूट अंडर 5/4 के डिस्टेंस पे हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ ओरिजिन से डिस्टेंस के बेसिस पे आप एक पॉइंट को यूनिकली लोकेट नहीं कर सकते ना। अगर मैं ऐसे कहूँ ये पॉइंट है, ठीक है, और इसका एंगल मैं डिफाइन कर दूँ, अब यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे दिस इज पोलर सिस्टम इन टू डायमेंशन, ठीक है, पोलर सिस्टम। और ये कौन सा सिस्टम है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दो लेंथ की जरूरत थी ना, दो डिस्टेंस की जरूरत थी। यहाँ पे आपको किस किस चीज की जरूरत थी, एक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और दूसरा एंगल फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। यहाँ पे हम आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। एंगल लिखना पड़ेगा, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल टैन इनवर्स 0.5 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, है ना, टैन इनवर्स वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। लेकिन इतना ही एंगल यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, लेकिन ये दोनों एंगल सेम तो नहीं है, सेम होता तो यूनिक पॉइंट को लोकेट करता, लेकिन ये दो अलग अलग पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं ना। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम आएंगे तो उस एंगल को नेगेटिव एंगल नहीं,
हमारा पोलर सिस्टम। तो हम पॉइंट को दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम एक प्लेन में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें जो ईएमएफटी पढ़नी है ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में पढ़ना है ना, तो हम प्लेन में नहीं रह सकते, हमारे को स्पेस में आना पड़ेगा। लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो मैंने बताया किसी सिस्टम में आप कार्टेशियन को अप्लाई करो तो वहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, कहीं पे आप पोलर यूज़ करो वहाँ पे कैलकुलेशन आसान होगी। तो जहाँ पे जो आसान होगा वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ठीक है, अभी मैंने एक पॉइंट को लोकेट किया ना, अगर मैं एक सर्कल दे दूँ आपको, इस सर्कल का रेडियस जो है ये 2 है और सेंटर ओरिजिन पे है, तो इस सर्कल ऐसे इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस। तो ये आपने कैसे रिप्रेजेंट किया है, मतलब क्या होगा कि आप इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी x, है ना, और ये डिस्टेंस y है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आना ही आना, अगर सर्कल के पॉइंट पे हो तो। सर्कल के पॉइंट पे नहीं हो तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। तो इसको आप क्या कह रहे हो, अभी भी 2 डिस्टेंस लेकर के सेटिस्फाई कर लेना। अगर मैं पूछूं कि इस सर्कल को आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये सर्कल का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंटेशन है, इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस सर्कल का इक्वेशन आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब वहां पे आपको कार्टेशियन सिस्टम में आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई दिखेगा, पोलर फॉर्म में आपको आर और थीटा दिखना चाहिए। एक्स समझ रहे हो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, आर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, थीटा इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे हैं सर्कल के, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस 2 ही होगा, तो आर की वैल्यू हमेशा ही 2 फिक्स हो गई ना। थीटा क्या है, ये कोई आर्बिट्ररी थीटा मान लो, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है। इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आपको आर गिवन है और थीटा गिवन है तो आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, है ना। आर की वैल्यू क्या है, 2, तो आप इसको लिखेंगे 2 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा, इसका पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। एक्स और वाई को आपने रिलेट कर दिया, हाँ ये पॉइंट, ये यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन यूनिक पॉइंट नहीं, थीटा क्या है इसमें, वेरिएबल है। थीटा को आप क्या लिखोगे, ये 0 से लेकर के 360 डिग्री तक मूव, इसको मूव करा दो तो पॉइंट मूव करता हुआ नजर आएगा एक सर्कल पे, और ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स है आर 2, तो सर्कल को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर एक सर्कल है, ठीक है, जिसका मान लो कि जो ओरिजिन है ये 1,1 पे है और इसका रेडियस जो है ये 2 है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इन जनरल पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, हाँ तो इसकी अब इसको कैलकुलेट करिए, एग्जांपल दिया कैलकुलेट करने के लिए। और जो सर्कल है इसका सेंटर 1,1 पे है और रेडियस 2 है, ठीक है। मैं इस बार के गेट का क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है, 2015 का, इसका ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, ठीक है। ये लेफ्ट ड्रॉ कर सकते हो, 1 और नहीं, एलिप्स का सेंटर 1 और 1/2 नहीं होगा, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 1 है, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो गेट का क्वेश्चन ये था कि इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है, और इस रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ना इसका कोई भी पॉइंट है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। इसके पॉइंट को, जो वेरिएबल पॉइंट है, इसके पॉइंट के लोकस को
पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। आर कॉन्स्टेंट वेरिएबल है ना, वो कैसे भी मैनेज करके इसके पॉइंट को आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। नहीं वेरिएबल नहीं, मतलब बस ये समझो तुम्हारे को किसी तरह मैनेज करके इसके पॉइंट को आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। तुम्हारे को ये कोई भी एक्स और वाई है, इसको तुम्हारे को थीटा में रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू है ना, एक्स इक्वल टू आप क्या कॉस थीटा पुट कर दीजिए और वाई इक्वल टू वन बाई टू साइन थीटा पुट कर दीजिए। ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। अगर आप x इक्वल टू इतना पुट करोगे, y इक्वल टू इतना पुट करोगे, तो ये फॉर्मूला वैलिडेट होगा। x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर 1 बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा है ना। और x और y क्या है, इस एलिप्स पे कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है ना, है ना, उस आर्बिट्ररी पॉइंट को हमने ये नाम दे दिया। ठीक है, अब गेट का क्वेश्चन ये था, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये पोलर से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। गेट का क्वेश्चन क्या था कि इसके अंदर आपको, इस एलिप्स के अंदर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, लेकिन ऐसा रेक्टेंगल बनाना है कि एरिया मैक्सिमम हो। जैसे अगर तुम यहाँ पर रेक्टेंगल बना दोगे ऐसे करके, तो ये एरिया मैक्सिमम नहीं होगा ना। ठीक है, तो अगर तुम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से करोगे, तो मान लोगे कि रेक्टेंगल के ये चार वर्टिसेस है ना, ये लेंथ एक्स मान लोगे तो वाई क्या आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आपने अगर एक्स मान लिया तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का है ना अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। हाँ ठीक है, अब तुम्हारे को क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2x और टोटल हाइट 2y, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एरिया क्या आ गया 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना, तो डी ए बाई डी एक्स को जीरो कर दो है ना, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू इसका इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल टू 0। टू हटा सकते हो हर जगह से, एक्स इंटू माइनस टू एक्स, अच्छा यहाँ पे भी तो कैंसिल हो जाएगा है ना, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डिवाइडेड बाई, ये इधर आकर के 0 ही हो जाएगा। क्या चीज़, माइनस में क्यों होगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही तो हो जाएगा, रूट प्लस हट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 बाई रूट 2 आ जाएगा है ना। अब एरिया क्या है, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 बाई रूट 2 है ना, और ये भी 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये हमने कार्टेशियन से सॉल्व किया इसको, कितनी आसानी से हो जाएगा। ये लेंथ क्या है, कॉस थीटा, और हाइट क्या है, हाफ साइन थीटा है ना, तो टोटल विड्थ क्या हो जाएगी 2x और टोटल हाइट 2y, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा इंटू 2 sin थीटा करेंगे तो हो जाएगा, तो एरिया क्या आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा है ना, एरिया इक्वल टू sin 2 थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, sin की मैक्सिमम वैल्यू 1, ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको सर्किल एलिप्स ठीक है इस तरह के शेप को डील करना होगा, वहाँ पर हम पोलर सिस्टम में अप्लाई करेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारे को रेक्टेंगल स्क्वायर इस तरह का रहेगा, वहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग
हम लोग कार्टेशियन सिस्टम और पोलर सिस्टम में रिलेशन एक बार जल्दी से कर लेते हैं, आसान है। अगर आपको ये पॉइंट दिया हुआ है कार्टेशियन सिस्टम में, तो एक्स और वाई दिया होगा, है ना, तो आपको इसमें आर और थीटा पता लगाना है ना, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, है ना। और अगर आपको कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है आर कॉमा थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा, और y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। अब मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम में दो पॉइंट दे रहा हूं। पहला पॉइंट है 1 माइनस 2j, और दूसरा पॉइंट है माइनस 1 प्लस 2j। आप इसको पोलर में चेंज करेंगे, ठीक है। पोलर में चेंज करने के बाद आपको r और थीटा चाहिए होगा, है ना, तो आपको बस थीटा बताना है कि जब आप पोलर में चेंज करेंगे तो इसका थीटा क्या होगा, जब आप पोलर में चेंज करेंगे तो इसका थीटा क्या होगा। इसका थीटा माइनस में होगा और इसका थीटा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सीधे ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो गलती क्या हो सकती है, ठीक है। थीटा इक्वल टू, हम अगर आप सीधे फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो टेन इनवर्स वाई बाई वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस टू है ना, और एक्स कोऑर्डिनेट तो टेन इनवर्स माइनस टू बाई वन, है ना, टेन इनवर्स माइनस टू आ जाएगा। इसके लिए अगर आप थीटा पता लगाओगे, थीटा वन और थीटा टू मान लेता हूँ मैं, तो ये भी टेन इनवर्स वाई कोऑर्डिनेट कितना है, प्लस टू, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन, ये भी आ जाएगा टेन इनवर्स। तो आपको ये दिखेगा कि माइनस में है तो थीटा इक्वल टू, ये भी कुछ माइनस में सम डिग्री हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में क्या करोगे, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, टेन इनवर्स टू पता लगाते हैं और वैल्यू को नेगेटिव में पुट कर दोगे। यहाँ पर भी टेन इनवर्स टू पता लगाओगे और वैल्यू नेगेटिव में पुट कर दोगे। टेन इनवर्स टू कितना हो जाता है, टेन इनवर्स टू इक्वल टू आ जाएगा, टेन इनवर्स टू जो आ जाएगा ये ट्वेंटी, टेन इनवर्स वन बाई टू ट्वेंटी फोर डिग्री होता है, तो ये वन एट, ये नाइन्टी माइनस ट्वेंटी फोर, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री आ जाएगा, 66 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको तुम क्या लिखोगे, माइनस 66 डिग्री, और ये भी माइनस 66 डिग्री, ऐसे नॉर्मली नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर तुम पॉइंट को लोकेट करो, है ना, क्या क्या कौन सी वैल्यू, ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आप इस पॉइंट को लोकेट करोगे, है ना, वन माइनस टू जे, रियल पार्ट पॉजिटिव है तो वन यूनिट आप पॉजिटिव में आ जाओगे, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो टू यूनिट नेगेटिव में। पॉइंट की लोकेशन ये हो जाएगी। एंगल क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, आप अगर क्लॉकवाइज लोगे तो इतना नेगेटिव में आ जाएगा। दूसरे पॉइंट को देखो, दूसरे पॉइंट का रियल पार्ट क्या है, माइनस वन, है ना, और इमेजिनरी पार्ट टू, ये आ गया, तो दूसरे पॉइंट का एंगल ये आ गया ना, और ये दोनों एंगल तो अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। आपको एंगल कैसे पता लगाना है, पॉइंट को लोकेट करके ज्योमेट्री में, ठीक है, यहाँ से अगर आप पता लगाओगे तो गलती नहीं होगी, यहाँ से आपको गलती हो सकती है, ठीक है। यहाँ से भी गलती इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट नॉलेज नहीं कर रहे, कंप्लीट नॉलेज अप्लाई नहीं कर रहे ट्रिगोनोमेट्री की। अगर आपके पास कोई भी साइन थीटा इक्वल टू जैसे वन बाई टू है, जीरो से 360 के रेंज में, है ना, चाहे माइनस 180 से लेकर वन ले लो, रेंज तो 360 का ही है। 360 रेंज में साइन थीटा या कॉस थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, थीटा की, थीटा का दो दो आंसर आएगा, है ना। जैसे साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री भी होगा और थीटा इक्वल टू 150 डिग्री भी होगा। साइन थीटा इक्वल टू अगर, है ना, माइनस वन बाई टू है ना, तो थीटा इक्वल टू माइनस 30 डिग्री भी होगा और थीटा इक्वल टू माइनस 150 डिग्री भी होगा, है ना। माइनस 30 को आप 330 डिग्री भी लिख सकते हैं, 180 साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा,
है ना, यहाँ पे माइनस फिर 150 पर पुट कर दोगे तो माइनस साइन, ठीक है। इसको तुम 330 भी लिख सकते हो, 360 हम कभी भी ऐड कर सकते हैं, मालूम है ना। यहाँ पे भी 360 अगर ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये 210 डिग्री, ठीक है। तो आपको हर वैल्यू के लिए दो दो एंगल आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा की, तो टैन थीटा की भी तो हर वैल्यू के लिए दो दो एंगल आएगा। नहीं, क्या कह रहे हो, हाँ आप 360 एंगल का रेंज पहले डिफाइन कर दीजिए, मान लो कि माइनस 180 से लेकर के 180 के बीच में, इसी बीच में आपको एंगल बताना है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू मान लिया कि कितना लोगे बताओ, माइनस कितना ले ले, 1/2 ले ले, है ना, माइनस रूट 3/2 ले ले, ठीक है। तो इस बीच में, इसी बीच में अगर एंगल पता लगाना है तो इस बीच में आपको दो एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। पहले हमारे को कितना मालूम है, साइन माइनस रूट 3/2 क्या होगा, माइनस 60 डिग्री, एक थीटा आ जाएगा, रूट 3/2 आता है, तो बस थीटा में माइनस कर दो तो माइनस साइन थीटा की प्रॉपर्टी होती। तो अब देखो ये किसकी रेंज में, इस रेंज में है या नहीं है, इसी रेंज में है ना, ठीक है। साइन थीटा का टाइम पीरियड, हाँ नहीं, दो बार रिपीट होती है। तुम देखो साइन थीटा का अगर तुम ग्राफ बनाओगे, टाइम पीरियड तो इसका ये है 2π है, ठीक है, लेकिन सेम वैल्यू लेना, एक एंगल ये भी आ गया, दूसरा एंगल ये थीटा 1 और ये थीटा 2। देखो वैल्यू रिपीट, जहाँ पे वैल्यू रिपीट होती है जरूरी नहीं कि वो टाइम पीरियड हो जाएगा। यहाँ पे भी ये वैल्यू रिपीट हो रही है ना, इसको तुम टाइम पीरियड नहीं बोल सकते। वैल्यू भी रिपीट होनी चाहिए, ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक भी रिपीट होना चाहिए, उसी को हम टाइम पीरियड कह सकते हैं। वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रहा है, वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ पे ग्राफ नीचे आ रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। तुम अगर इस बेसिस पे कहोगे तो जीरो वैल्यू हर पाई के बाद ही रिपीट हो जाती है ना, लेकिन टाइम पीरियड पाई तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जीरो के बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जीरो के बाद ग्राफ नीचे हो रहा है, इसको टाइम पीरियड नहीं कहेंगे। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी ग्राफ सेम कैरेक्टरिस्टिक को भी रिपीट कर रहा है, तो इसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो ये आपको पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, एंगल पता चल गया, कैसे पता लगाना है ना, क्योंकि अब हमारे को कॉन्शियस ये रहना पड़ेगा ना कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो दो दो आंसर आ सकता है, ठीक है। तो हम सिंपली ये आंसर नहीं कह सकते, है ना। दूसरा आंसर क्या होगा कि अगर एक आंसर -66 डिग्री है, आप ये जानते हैं ना tan थीटा इक्वल टू tan 180 प्लस थीटा होता है, तो tan -66 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस -66 डिग्री, तो tan -66 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा tan, ये कितना आ जाएगा 14 डिग्री, और इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, -114 डिग्री, ठीक है। तो तुम इसमें देखोगे, एक हमने ये आंसर निकाला था और दूसरा ठीक इसका 180 डिग्री अपोजिट आ जाएगा, ये एंगल 114 होगा। तो ये समझ पॉइंट का एंगल कैसे पता लगाना है, हाँ जैसे ये एंगल पॉजिटिव ले लो और 180 से सब्सट्रैक्ट कर दो, बिल्कुल बिल्कुल मैंने पॉइंट, एक बार पॉइंट लोकेट हो गया फिर तुम्हारे को दिख रहा है ना, ये पॉइंट है को अगर आ रहा है 66 डिग्री आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है ये एंगल 66 डिग्री हो ही नहीं सकता है ना, तो तुम इसको मैच कर सकते हो ज्योमेट्री में, ठीक है। तो अभी तक हम लोग टू डायमेंशनल स्पेस में किसी भी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए है ना दो रेफरेंस चाहिए, जैसे कार्टेशियन सिस्टम में दो टेंथ चाहिए और पोलर सिस्टम में एक टेंथ और एक एंगल चाहिए। अब इसी तरह थ्री डायमेंशन में तो तीन रेफरेंस चाहिए, कार्टेशियन सिस्टम में हम तीन रेफरेंस, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, है ना, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस है तो फ्रॉम, जैसे हम ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है सरफेस, इसको मैं एक्स वाई प्लेन ले लूँ, तो ये जो हाइट होगी तो इस ये प्लेन से
लेंथ एक्स लेना पड़ेगा, दूसरा लेंथ वाई लेना पड़ेगा, है ना, इसी प्लेन में लेना पड़ेगा, तो तीसरा हाइट हो जाएगी, वो ऑब्वियसली जेड प्लेन होगा ना। तो ये जेड कोऑर्डिनेट अगर ये हाइट है ना, तो इसको क्या कहोगे, डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन कहेंगे। समझ गए, इस तरह से वाई कोऑर्डिनेट है जो एक्स और जेड छूट गया ना, डिस्टेंस एक्स जेड प्लेन। तो ये कार्टेशियन सिस्टम समझ में आया, ठीक है। जैसे टू डायमेंशनल स्पेस में पोलर, ठीक है, इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में सिलिंड्रिकल सिस्टम होता है, ठीक है। पोलर सिस्टम में हम क्या करते हैं, ये फिर से मैंने एक प्लेन बना दिया, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप ये डिस्टेंस और थीटा का हेल्प लेना होता है, ठीक है। अगर इसी पॉइंट को मैं स्पेस में ले जाऊँ, इस प्लेन पे ना दिखा करके यहाँ पे दिखा दूँ, है ना, तो आप यहाँ तक तो पहुँच सकते हैं, और आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एक्स्ट्रा जेड कोऑर्डिनेट चाहिए ना। सिलिंड्रिकल सिस्टम में हम पॉइंट को आर थीटा और जेड कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम आर ना बोल करके रो बोलते हैं, ठीक है, रो थीटा जेड। तो क्या हो जाएगा, रो डिस्टेंस, है ना, व्हेन द पॉइंट इज सुपर ऑन एक्स वाई प्लेन, रो जैसे रो कैसे पता लगाएंगे हम किसी पॉइंट का। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन डिफाइन कर देंगे, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, मैं अभी एक्स वाई प्लेन इस तरह से दिखा रहा हूँ, और पॉइंट मान लो कि यहाँ पे है थ्री डायमेंशन में, है ना, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो जेड कोऑर्डिनेट किधर होगा, परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है ना, बोर्ड के इनसाइड और बोर्ड का आउटसाइड, जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन जो होगा वो अंदर क्यों नहीं होगा, जेड का पॉजिटिव, ठीक हैंड रूल लगाओगे ना, तो जेड पॉजिटिव, जेड का डायरेक्शन हमेशा क्रॉस वाई के डायरेक्शन में होगा, बाहर कैसे आएगा, एक्स क्रॉस वाई करोगे तो अंदर जाएगा ना, मुझे तो पता है उसको बताओ ना, ठीक है, एक्स क्रॉस वाई, एक्स से वाई की तरफ जाओगे ना, तो थंब का डायरेक्शन क्या आ रहा है, नहीं राइट हैंड से करो था, लेफ्ट हैंड से नहीं, है ना, तुम स्टिव को एक्स से वाई की तरफ रोटेट करो, तो वो अंदर की तरफ जाएगा ना। तो मैं, मुझे जेड कोऑर्डिनेट मान लो बाहर की तरफ लेना है, तो मैं इसको वाई कर देता हूँ, और इसको क्रॉस वाई क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो जेड कोऑर्डिनेट के लिए मैं यहाँ पे बाहर की तरफ लाइन तो नहीं खींच सकता ना, तो मैं जेड कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है, और अगर अंदर की तरफ होगा तो मैं उसको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। ये आप जानते हो, पॉइंट आउटसाइड और क्रॉस इनसाइड, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया, ये जो स्केच का टिप मान लो एक पॉइंट है ना, अब आपको बताना है कि इस पॉइंट को आपको रो थीटा और जेड रिप्रेजेंट करना है ना। एक अगर इस पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना होगा, तो तुम क्या करोगे, है ना, आप कहोगे हमारे को एक्स डायरेक्शन में इतना आना पड़ेगा, है ना, वाई डायरेक्शन में फिर इतना आना पड़ेगा, सॉरी वाई डायरेक्शन ऊपर है ना, एक्स डायरेक्शन में इतना हो गया, वाई डायरेक्शन में ऊपर, और फिर जेड डायरेक्शन में, यह तीनों डिस्टेंस पता चल गया, तो एक्स वाई जेड पता चल गया। सिलिंड्रिकल सिस्टम आपको रो पता लगाना है ना, अब क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी पॉइंट है उसको एक्स वाई प्लेन में सुपर इम्पोज करेंगे। इस पॉइंट को तुम क्या करोगे, एक्स वाई प्लेन में ले जाओगे, ये जेड है ना, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, इस पॉइंट यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ आ गया ये पॉइंट, यहाँ पे मार्क कर दो। अब ये पॉइंट एक प्लेन में आ गया ना, अब इसका डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन से, ये डिस्टेंस रो आ जाएगा, ठीक है, और एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस ये फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फाई आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया रो क्या होता है, ठीक है। और जितने डिस्टेंस आप अंदर गए थे, या फिर इस एक्स वाई प्लेन से जो भी डिस्टेंस होता है वो जेड कोऑर्डिनेट होता है, जेड कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम का और सिलिंड्रिकल सिस्टम का सेम ही होता है ना, तो जेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई से डिस्टेंस हो जाएगा। अगर पॉइंट अंदर की तरफ होता है, पॉजिटिव जेड बाहर की तरफ है, तो उस जेड को हम नेगेटिव लिख लेते हैं ना, तो ये समझ में आ गया। अब अगर पॉइंट कार्टेशियन इसमें सिलिंड्रिकल सिस्टम में दिया हुआ है, तो उसको कार्टेशियन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, तो हम इसको
x में हम लिखेंगे रो cos y कोऑर्डिनेट आ जाएगा रो sin phi और z कोऑर्डिनेट इक्वल टू और अगर किसी पॉइंट कोई पॉइंट आपको कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है उसके लिए आपको पाई और जेड बताना है ना तो कैसे बताओगे ना रो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स और जेड इक्वल टू जेड आ जाएगा ठीक है तो अब यही चीज़ हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए करके देखते हैं ठीक है जितना हम इसके लिए देखेंगे सिलेंड्रिकल के लिए स्फेरिकल भी उतना ही एंटीना में हमारे को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना पड़ेगा तो अब मैं एक्स वाई इस तरह से नहीं बनाऊंगा एक्स वाई प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाएंगे बोर्ड मान लो कि ये एक्स है ऊपर प्लेन हो सकता है ये तो एक्स क्रॉस वाई किधर आएगा इस डायरेक्शन में वाई इस डायरेक्शन में तो एक्स क्रॉस वाई कौन से डायरेक्शन में आएगा नहीं अंदर नहीं अंदर बाहर तो ये तो y वाला है ना अगर y अंदर और बाहर है ऑब्वियसली या तो ऊपर होगा या नीचे होगा x क्रॉस y नहीं तुम x तो स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे ना स्क्रू को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो स्क्रू नीचे की तरफ आ जाएगा लेकिन मैं z ऊपर देना चाह रहा हूँ ठीक है यहाँ कर देता हूँ वाई ऊपर की तरफ जेड कोऑर्डिनेट हो गया अब अगर आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है तो स्फेरिकल सिस्टम में हमारे पास तीन पैरामीटर होते हैं सिस्टम में हम क्या करते हैं रो फाई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एक बढ़ेगा कि डिस्टेंस क्या होता है एंगल यहाँ पे हम एक फिर से एक पॉइंट ठीक है थ्री डायमेंशनल स्पेस में तो यहाँ पे जो r होगा वो सीधे ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया ये तो बहुत सिंपल है ये ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया उसके बाद थीटा अब हमारे को पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट को है ना पॉइंट को आप एक्स वाई नहीं इस पॉइंट का जो जेड एक्सिस के साथ एंगल होगा ना जैसे तुम इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो हाँ एक्स वाई इस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन से नहीं मिलाना ये पॉइंट है ना तुम्हारे पास ठीक है जेड एक्सिस दिख रहा है तुम्हारे को इस पॉइंट को सीधे ओरिजिन से मिला दो ठीक है तो ये एक लाइन बन गई और एक जेड एक्सिस है इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको हम थीटा कहेंगे ठीक है थीटा आ गया है ना एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड द लाइन फ्रॉम लाइन पासिंग थ्रू origin to the point पाई पता लगाना है ना ठीक है पाई पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे मैंने ये पॉइंट लिया था ना पॉइंट है इसको आप सबसे पहले एक्स वाई प्लेन में लाएंगे आप ठीक है एक्स वाई प्लेन कौन सा है हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना ये वाई बाहर की तरफ है तो ये पॉइंट यहाँ पे हो सकता है ना यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो उसका जेड कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट को पहले आप एक्स वाई प्लेन में लाएंगे नीचे लाओगे आप तो यहाँ पे नीचे मैं ऐसे दिखाऊंगा मैं पॉइंट को यहाँ दिखा रहा हूँ लेकिन पॉइंट एक्चुअली कहाँ पे है ये नहीं ये आर्बिट्ररी पॉइंट है अभी के लाए नहीं है हम इसको ये पॉइंट मान लो कि ये है ठीक है इसको हम नीचे ला रहे हैं तो नीचे मैं लाऊंगा मैं इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ला रहा हूँ ये यहाँ पे मान लो कि पॉइंट आ गया और ये मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से दिखा रहा है ठीक है इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाने के बाद
मतलब बाहर से जो है कपड़ा, ठीक है, सही बोलेंगे, ठीक है। तो पाई क्या है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ में आया। हमारे पास, हमारे को एक्स या फिर पहले हम ऐसे करते हैं, हमारे को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आर थीटा कॉमा फाई दिया हुआ है। अब आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और ठीक है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो अगर ये पता लगाना मुश्किल होगा, पता है? अच्छा, क्या आ जाता है एक्स आर, ये समझा हुआ कैसे आता है ये, ठीक है, इसको फिर हम समझा करके पता लगा। मैं अगर तुमसे पूछूं कि z और एक्स वाई प्लेन इसके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ऑब्वियसली ये एक्स वाई प्लेन है और इस ऊपर की तरफ है, तो इस प्लेन और लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री। कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि पॉइंट है ना, इस पॉइंट का है ना z एक्सिस के साथ जो एंगल आ जाएगा वही तो थीटा होगा, और r क्या होगा, ये डिस्टेंस। तो अगर थीटा इस लाइन का x z एक्सिस के साथ एंगल है, तो x y एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि z और y प्लेन के बीच में एंगल 90 है, और इस पॉइंट का एंगल z एक्सिस के साथ थीटा है, तो x y प्लेन के साथ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम कहेंगे जी पॉइंट का एंगल होगा, पॉइंट और x y प्लेन के बीच का जो एंगल हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा होगा। इस पॉइंट की लेंथ क्या है, आर है। जब इस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पे उस ऊपर इंपोज करेंगे ना, तो इस पॉइंट की लेंथ क्या मिलेगी आपको, जैसे अगर एक वेक्टर ए है, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में उस ऊपर इंपोज करना चाहते हो, तो इस डायरेक्शन में लेंथ क्या मिल जाती है, ए कॉस थीटा, है ना। उसी तरह हम ये कहेंगे कि यहां पे लेंथ आपको आर मिल रहा है, जब आप इसको एक्स वाई प्लेन में लाओगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r cos xy प्लेन के बीच में जो एंगल है, तो हम इसको लिखेंगे कि xy लेंथ आ जाएगी, है ना, ये लेंथ r है, ये लेंथ क्या हो जाएगी, r cos 90 माइनस थीटा sin, लेकिन ये लेंथ क्या है, xy प्लेन में ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये समझो तरह से आपको रो मिल गया ना, ये रो ही है, अब से कन्वर्ट करोगे तो उसको आप रो कहोगे, ठीक है। अब रो मिल गया आपको, तो एक्स डायरेक्शन में लेंथ क्या आ जाएगा, रो कॉस फाई, और वाई क्या होता है, रो साइन फाई, रो की वैल्यू आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा इंटू साइन, और जेड हो जाएगा, जेड के डायरेक्शन में जाना है तो आर कॉस, ये समझ में आ गया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपको इस पॉइंट पे आना है ना, तो आप क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, तो पहले यहाँ आ जाएंगे, तो ये लेंथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये लेंथ और ये लेंथ भी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट पैरामीटर अगर आपको थीटा पता लगाना हो, तो क्या कहेंगे, टेन इनवर्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा है ना, और टू कॉस इनवर्स जेड बाई आर हो जाएगा, है ना, कॉस इनवर्स जेड बाई आर, है ना, कॉस इनवर्स, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि आर हमारे को नहीं पता है, या फिर आर यहाँ से पता लग जाएगा, जेड डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
और phi इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स y by x. तो x और y पता है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के भी सारे पैरामीटर पता चल जाएंगे.